चले 10.4 सर्कल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग नाइन्थ के। तो सर पहला क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 एंड रेडियाई 5, तो एक 3 का है और शायद एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल है रेडियस 5 का। तो सर ये जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस 3 है और जो बड़ा सर्कल है उसका यहां से लेके यहां तक का रेडियस जो है वो 5 है, ठीक है ना। तो टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई व्हाट 3 एंड 5, मतलब बड़े सर्कल का अपन सेंटर ये माने तो इसका रेडियस 5 है और छोटे सर्कल का रेडियस कितना है 3। ये सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है, मतलब इसको O मान लेते हैं और इसको O डैश मान लेते हैं और बोल के रखा है कि इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 है। इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 4। आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड जो कि अपन बनाएंगे पी क्यू। तो सर इस पूरे क्वेश्चन में हमको मेहनत करनी है पी क्यू को निकालने की। सर का और कुछ नहीं करना है, मैंने बोला नहीं बस पी और पी क्यू को निकालना है और काम हो जाएगा। तो ठीक है, अगर अपन बात करें तो हम कुछ ट्राइंगल्स लेते हैं। सर कौन कौन से, मैंने बोला देखो अच्छे समझना है तो पहले लो इन ट्राइंगल पी ओ और डैश एंड ट्राइंगल क्यू ओ और डैश, मतलब ये ऊपर वाला पी ओ ओ डैश और फिर नीचे वाला क्यू ओ और ओ डैश, ठीक है ना। मैं बोलूंगा इसका भाई सीधी बात है पी ओ इज इक्वल टू क्यू, दोनों क्या है रेडियस। फिर मैं बोलूंगा पीओ डैश इज इक्वल टू क्यूओ डैश, अगेन दोनों क्या है रेडियस। और ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश कॉमन। तो सर ट्राइंगल तो ऐसे है सर, ट्राइंगल पी ओ ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ ओ डैश बाय व्हाट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सर ठीक है, अभी सर आप क्या बताना चाहते। मैंने बोला कुछ नहीं, अब अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ तो यहाँ पे अपन इसका नाम रख रहे हैं एम, तो मैं इन ट्राइंगल पॉम और कॉम की बात करने वाला हूँ। तो सर ठीक है, अगर आप समझाना ही चाहते हो समझते हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हो। इन दिस पर्टिकुलर फिगर मैं आपसे बोलूंगा अब ट्राइंगल ले लो पॉम, इन ट्राइंगल पॉम इन ट्राइंगल व्हाट इन ट्राइंगल पॉम एंड ट्राइंगल कॉम, कहां पे ये रहा पी ओ एम और क्यू ओ एम। सर इसमें क्या बोलोगे, सबसे बोलूंगा तो पी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ, क्योंकि क्या है वो रेडियस। सर ठीक है, पी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ, क्या है PO is equal to QO, क्योंकि वो क्या है रेडियस। सर OM is equal to OM common और एंगल 1 is equal to सॉरी एंगल 3 is equal to कितना एंगल 4, 3 is equal to कितना एंगल 4। तो सर SAS ट्राइंगल पॉम is congruent to triangle com by what SAS। तो सर by अगर हम बात करूं SAS by CPCT में को कहने को आ गया है कि ये जो PM है इस triangle is equal to MQ, PM is equal to MQ, PM is equal to कितना MQ, ये बात आ गई है मेरे पास कहने को। और ये बोलने को आ गया कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू X, तो इन शॉर्ट अपन बोल सकते हैं X प्लस X इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री,
क्योंकि वो लीनियर पेयर बना रहा है, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो सर PM इज इक्वल टू MQ और MO इज इक्वल टू कितना MO, सर ये बात भी सही है। तो सर क्या करें इसके अंदर, मैंने बोला अब आएगा मजा, आप इस पूरे फिगर को ढंग से देखो। मैं आपको अगर समझाना चाहूं तो मेरे को आप जो चीज समझानी है मेन काम वो अब शुरू होती है। सर क्या, मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं क्या। आपने एक सर्कल बनाया था, एक सर्कल था रेडियस समझो 5 का और दूसरा वाला सर्कल किसके था रेडियस 3 का, ठीक है। सर ये था इसका सेंटर, ये था इसका सेंटर, इस सर्कल का रेडियस कितना था अगर हम बात करें तो 3 और इस सर्कल का रेडियस कितना 5। सर ये रही इनकी कॉमन कॉर्डिनेट, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो हमारे लिए कितना था 4। अगर मैं इतने हिस्से को x मान लूं तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा 4-x। और सर ये सेंटर ऐसे, मतलब अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं ये रहा इसका सेंटर, ये रहा 5, मतलब ये ऐसे इसके सेंटर में भी जा रहा है, ठीक है ना। अब सर अगर अपन इसको बात करें तो ये आपके पास है 5, ये आपके पास है PM, ठीक है सर, अच्छी बात। तो मैं सिर्फ ट्रायंगल पॉम की बात कर, ट्रायंगल पॉम के अंदर POM के अंदर क्या बोल सकता हूं कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस, मतलब PM का स्क्वायर प्लस 4-x का होल स्क्वायर। सो अच्छी बात है, मैंने बोला ठीक है। तो कहीं ना कहीं 25 इज इक्वल टू या 25 माइनस 4-x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना PM स्क्वायर, सर ठीक है अच्छी बात। अब यही सेम चीज PO-M की बात करूं, इन ट्राइंगल पी ओ डैश एम, पी ओ डैश एम की बात करो, पी ओ डैश एम तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर। सर पी एम की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9 माइनस कितना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना पी एम का स्क्वायर। सर ठीक है, यहां से भी पी एम स्क्वायर की वैल्यू और यहां से भी क्या PM स्क्वायर की वैल्यू। सर ऐसे में 25 माइनस 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू कितना PM स्क्वायर, 25 माइनस 16 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू क्या चल रहा है PM का स्क्वायर, और PM के स्क्वायर की वैल्यू ही क्या है 9 माइनस x स्क्वायर, तो 9 माइनस x स्क्वायर से 9 माइनस x स्क्वायर गेट कैंसिल, 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो x इक्वल टू कितना 0। अगर x 0 है, अगर x की वैल्यू क्या होगी 0, तो सर कहीं ना कहीं ये बात जानने योग्य होगी हमारे लिए कि PM का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस कितना 0, तो PM इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का मतलब PM इज इक्वल टू कितना 3, और अगर PM 3 हो गई तो आपके पास जो यहां से QM बची है वो भी कितनी होगी 3, क्योंकि अपन बोल चुके हैं PM इज इक्वल टू कितना QM, तो PM इज इक्वल टू QM इज इक्वल टू कितना 3, तो पूरी PQ कितनी होगी 6। सर क्या क्वेश्चन बढ़िया था, हाँ सिस्टमैटिक था। अब आप पहले इस क्वेश्चन को दो बार करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वरना आगे नहीं बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड साथ में ही होंगे कि दोनों का मतलब एक जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड किस तरफ चल रहे हैं, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, पहली बात तो दिल खुश कर दिया उन्होंने ये बोल के कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो कॉर्ड्स तो इक्वल है, तो सर अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो अपन उसको एक को मान लेते हैं क्या AB,
और दूसरे को क्या मान लेते हैं अपन, सीडी, ठीक है। और इक्वल कॉर्ड्स हैं, जैसे इन्होंने बोल दिया ए बी इक्वल टू सी डी, दिल ने कहा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो सर अगर अपन बात करें तो ये ओ है, तो यहां से ओ एम और यहीं से ओ एन क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब इसमें टू प्रूफ क्या बोला है, देखो आपको जो अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन नंबर टू में टू प्रूफ बोला है कि प्रूफ करो कि भाई ये जहां पे मिल रही है, अगर इसको अपन नाम दे दें, लेट से पी नाम दे दें, अगर अपन नाम दे तो वो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि भाई ए पी इज इक्वल टू सी पी है, बी पी इज इक्वल टू डी पी है, और एक और बात बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि ये जो सेंटर से एंगल बना रहे वो एंगल वन और एंगल टू आपस में क्या है, सर के ये भी बात बोल रहे हैं, मैंने बोला हाँ ये सब बातें वो लोग बोल रहे हैं सर, ठीक है कि ये प्रूफ करना है। अब से इसको करें तो करें कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इन ट्राइंगल ओ एन पी अगर अपन बात करें तो इन ट्राइंगल ओ एन पी एंड ट्राइंगल ओ एम पी, ओ एन पी ओ एम पी की बात करें तो सबसे पहला तो कहने का मतलब है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये अपने लिख ही लिया था कि इक्वल कॉर्ड्स है सर, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन दोनों, और सर ओ पी इज इक्वल टू ओ पी क्योंकि वो क्या है कॉमन, तो राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड से ये ट्राइंगल ओ एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम पी बाय वॉट आर एच एस, इस आर एच एस के होने के कारण अगर मैं बोलूं सीधे में मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि एन पी इज इक्वल टू कितना एम पी, यहाँ की एन पी और यहाँ की एम पी क्या हो गई इक्वल, और एंगल वन इज इक्वल टू तो एंगल टू पहले हो गया क्योंकि ट्राइंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, एंगल वन इज इक्वल टू कितना हो गया एंगल टू क्योंकि ट्राइंगल क्या हो गया आपके पास कॉन्ग्रुएंट। पता नहीं क्यों ऐसा अभी कहने की इच्छा है कि मैं आपको लिख के बता पाऊं कि सर बी एन, ये जो बी एन वाला हिस्सा है और जो ये डीएम है आपस में इक्वल है, सर बी एन और डी एन क्यों इक्वल है, क्योंकि आपने पहले लिख के रखा है कि भाई ए बी इक्वल टू क्या है सी डी, तो आधी ए बी इक्वल टू आधी सी डी, सर आपने कैसे मान लिया कि ये आधी ए बी है और ये आधी सी डी है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बायसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बायसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बायसेक्ट द कॉर्ड, तो ये आधी आधी हो गई। अब सर अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो बी एन प्लस एन पी इज बी पी और डी एम प्लस एम पी इज डी पी, तो सर बी पी इज इक्वल टू क्या हो गया डी पी, बी पी इज इक्वल टू डी पी हो गया। सर अगर अपन चाहें तो पूरी ए बी इक्वल टू क्या थी सी डी, अब उसमें से अगर यहां से पूरी ए बी में से क्या माइनस कर दो बी पी और वहां से क्या माइनस कर दो सी पी, तो डी पी डी पी, तो यहां से बी पी यहां से डी पी, तो एक तरफ से बी पी माइनस करूं और दूसरी तरफ से क्या माइनस करूं डी पी, तो बच क्या जाएगा यहां से ए पी और यहां से सी पी, सर क्या इससे काम हो जाएगा, मैंने बोला हाँ दोस्त ये आपका पूरा काम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला हाँ क्वेश्चन तो अच्छा था। सर क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है अगर अपन ले किस तरफ है, आपको बोल के रखा है कि देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स,
there are two concentric circles. हाँ तेरी है ना, बिल्कुल सॉरी. चले अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये ओ है, यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे क्या है टी. मैं बना रहा हूं परपेंडिकुलर. ओ एम परपेंडिकुलर पूरा अगर बोलूं, अब उसको ए डी भी बोल सकते हो और उसको बी सी भी बोल सकते हो. तो सर जैसे ही आपने बोल दिया ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, आपको लिखना पड़ेगा ए एम इज इक्वल टू कितना एम डी, ठीक है ना. और जैसे ही आपने बोल दिया ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, आपको लिखना पड़ेगा बी एम इज इक्वल टू वॉट एम सी. सर क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बायसेक्ट द कॉर्ड. सर सही बात है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बायसेक्ट द कॉर्ड. सर कहीं ना कहीं आपके हिसाब से ये मिड पॉइंट इसका भी एम, और यहां से मिड पॉइंट और ये इसका भी मिड पॉइंट, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो कि आपको प्रूफ करना है. तो क्या सही, इतना सही था. मैंने बोला हाँ रे इसमें क्या परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऐसे इतना कॉर्ड. अब अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कौन सा वाला फाइव, तो सर क्वेश्चन नंबर फाइव लेके चल रहा है हमको सलमा रेशमा और मनदीप के पास. तो ठीक है, सलमा रेशमा और मनदीप एक सर्कुलर गार्डन में खड़ी थी और खेल रही थी. सर क्या रिंगा रिंगा रोजेस. अगर अपन बात करें कि सलमा रेशमा और मनदीप की, जिसमें आपको बोल के रखा है कि रेशमा ने बॉल सलमा को फेंकी, सलमा ने बॉल मनदीप को फेंकी और मनदीप ने बॉल रेशमा को फेंकी. आपको बोल के रखा है डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज सिक्स और सलमा और मनदीप भी सिक्स और सर्कल का रेडियस पांच. अब आपको ये बोला गया है सलमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस होगा ना. देखो सर्कल का रेडियस तो पांच, तो ये पांच है तो ये पूरा भी कितना रहेगा. समझने की बात ये है कि अगर ये पूरा पांच है उसमें से अगर आप इस हिस्से को x मान लेते हो तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा पांच माइनस एक्स और ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बना दिया आपने, डिस्टेंस निकालते हो. ठीक है, अब अगर अपन बात करें मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं P, तो मेरे पास PM स्क्वायर की पहली इक्वेशन है इन ट्राइंगल OMP में से कि पांच का स्क्वायर प्लस कितना, पांच का स्क्वायर माइनस व्हाट एक्स का स्क्वायर. तो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू चल रहा है 25 माइनस कितना एक्स स्क्वायर. अच्छी बात है सर. सर उधर से अगर PM निकालें तो, अगर इस तरफ से PM निकालें तो क्या हो, तो कहीं ना कहीं 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर. 36 इज इक्वल टू कितना, अगर बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस PM का स्क्वायर. और PM का स्क्वायर कितना है आपके पास 25 माइनस एक्स. कहां से आया ये ऊपर. तो सर आपसे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल. मैंने बोला ठीक है 36 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 माइनस कितना 10x. तो 10x इज इक्वल टू 50 माइनस 36 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.4. x इज इक्वल टू कितना. सर अब ऐसे में PM का स्क्वायर निकालना है तो 23 माइनस x का स्क्वायर. तो सर PM का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर. और अगर आप ढंग से बात करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो यहीं पे आपका PM का जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 23 माइनस 1.96
तो पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू 21.04 और पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं बात 25 माइनस 25 हो जाएगा 23.04, जो कि अगर पीएम निकालेंगे तो आ जाएगी 4.8। तो सर अगर पीएम अगर 4.8 है तो एसपी भी कितनी होगी? 4.8। तो सर क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो पूरा सलमा से मंदीप तक का डिस्टेंस कितना होगा? 9.6। सर बात तो अच्छी है, बोला मतलब अच्छी ही है। अगर नहीं ना रेडियस कभी बाइसेक्ट नहीं कर, चले अ सर्कुलर पाथ अगर अपन लेके चले ऑफ सर्कल, अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, वहां पे अंकुर है, सैयद है और कहीं ना कहीं डेविड है, ये खड़े हैं। इसमें अगर अपन बात करें तो अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे खड़े। तो पहली बात तो आपको मानना पड़ेगा कि ए एस बी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके बारे में ये बात भी माननी पड़ेगी कि जो भी इसका मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड होगा, जैसे 90 डिग्री का, तो यहाँ इसका यहाँ से 90 डिग्री का, तो ये बात माननी पड़ेगी आपको कि इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ना कोई सा भी इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स ही इक्वल है, उसके अंदर मीडियन, ऑल्टीट्यूड और एंगल बायसेक्टर सब क्या रहते हैं? सेम। एंगल बायसेक्टर क्या रहते हैं? सेम। रेडियस कितना है आपके पास? 20। तो ये इनका एक प्रकार से ऑर्थोसेंटर, क्या हो गया आपका ये?